welcome to my channel Arts with Aisha. So today in this video we are going to discuss about the Bhimbetka caves which comes under prehistoric rock paintings and under the time periods इन विच भीमबेटका रॉक सेल्टर्स हैव बीन क्लासिफाइड. बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट लाइक. सो इन आवर प्रीवियस वीडियोज़ वी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द two rock paintings that were wizard's dance and a roaring animal. So इस वीडियो में हम बहुत important topic discuss करने वाले हैं भीमबेटका rock shelters के बारे में. तो question किस type से आएगा? Question आएगा write a short note on भीमबेटका caves and what do you know about भीमबेटका caves. तो आपको short में description देनी है. So let's start this one. द लार्जेस्ट एंड द तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? क्वेश्चन आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भीमबेटका केव्स एंड व्हाट डू यू नो अबाउट भीमबेटका केव्स. तो आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देनी है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. The largest and the most spectacular rock shelters of Bhimbetka are located in the Vindhya hills of Madhya Pradesh near Bhopal. जो भीमबेटका केव्स हैं वो विंध्या हिल्स में लोकेटेड है मध्य प्रदेश में. एंड द भीमबेटका इज़ 45 किलोमीटर्स फार अवे फ्रॉम साउथ ऑफ भोपाल वेयर अबाउट 800 रॉक शेल्टर्स पहले थे लेकिन अब कुछ रॉक शेल्टर्स डिस्ट्रॉयड हो गए हैं. तो अब हमारे पास सिर्फ 750 रॉक शेल्टर्स बचे हैं. आपको ये बात ध्यान रखनी है, 750 रॉक शेल्टर्स. और जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर भीमबेटका केव्स लोकेटेड हैं वो है रेजन डिस्ट्रिक्ट हैव बीन डिस्कवर्ड. तो यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स डिस्कवर हुई थी भीमबेटका केव्स के अंदर. एंड देयर आर 500 बियर पेंटिंग्स ऑफ स्टोन एज पीपल. वहाँ के स्टोन एज के पीपल जो थे, पुराने लोग थे, उन्होंने बियर्स के ऊपर पेंटिंग बनाई है, भालू और बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाई है केव में. और उनके जो ह्यूमन फिगर्स थे वो स्टिक लाइक थे. दीज केव्स शेल्टर्स आर स्कैटर्ड इन एरिया ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर्स. आपको ये बात अच्छे से हाईलाइट करके लिखनी है कि ये जो पूरा भीमबेटका का शेल्टर है, अलग अलग केव्स हैं, ये पूरा 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. सो द वर्ड भीमबेटका, अब आप सोच रहे होंगे इस केव का नाम भीमबेटका क्यों पड़ा. तो इसके पीछे जो पुराने टाइम पे, जो महाभारत के टाइम पे क्या हुआ था, जो भीम थे वो यहाँ पर यूजली बैठते थे. तो वो एक स्टोन पे बैठते थे जब वो थक जाते थे. तो इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा भीमबेटका, मतलब भीम जी की बैठने की जगह. So the caves of Bhimbetka were discovered by an eminent archaeologist V. S. Wakankar in the year 1957 to in the 1958 AD, and later on many more sites were also discovered around Bhimbetka caves. Wakankar spent several years to study these paintings. तो ये एक nominal आर्कियोलॉजिस्ट हैं वी एस वकानकर, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट था. वो सर्वे कर रहे थे नियर भोपाल में और फिर उन्होंने जंगलों में, एक बहुत घना जंगल था, उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ रॉक शेल्टर्स पड़े हुए हैं. तो उन्होंने ऐसे जाने अनजाने में डिस्कवर कर लिया, इतनी बड़ी डिस्कवरी कर ली भीमबेटका केव्स. अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लिखनी है वो है अबाउट पेंटिंग. जो भीमबेटका केव्स के अंदर पेंटिंग मिली थी बहुत सारी वेराइटी और सब्जेक्ट्स पे बेस्ड थी, जैसे डेली लाइफ ऑफ पीपल, हंटिंग सीन्स, डांसिंग सीन्स, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ पे लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखे थे, हनी कलेक्शन, ह्यूमन बींग्स से प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स वो अपने खाने पीने के लिए जो भी सामान कलेक्ट करते थे, जैसे हनी कलेक्शन और हंटिंग सीन्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था पेंटिंग्स का. डेकोरेशन ऑफ बॉडीज़, जो फीमेल्स, पहले तो क्या होता था सिर्फ फीमेल्स बॉडी को डेकोरेशन करने में बिलीव नहीं करती थी, इवन मेल्स भी आपको ईयरिंग्स पहनते हुए दिखेंगे और ज्वेलरीज डाले हुए. एंड अदर हाउस होल्ड सीन्स, जो रोज़मर्रा की काम होते हैं. इन स्पाइट ऑफ दिस सम एनिमल्स हैव बीन पेंटेड. मोस्ट ऑफ द आपको जो पेंटिंग्स मिली थी उसमें एनिमल्स को पेंट करते हुए दिखाया है विथ ह्यूमन एज हॉर्स एंड एलिफेंट राइडर्स। ह्यूमंस को घोड़े पर सवार या फिर हाथी पर सवार दिखाया गया था इन पेंटिंग्स में। एनिमल फाइटिंग्स, दो एनिमल आपस में लड़ रहे हैं, स्टैग, टाइगर, बाइसन एसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, अब ये इम्पॉर्टेंट बात आपको नोट करनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, टेक्निक एंड टाइम पीरियड, द रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका हैज़ बिन क्लासिफाइड इन 7 ग्रुप्स। जो टाइम पीरियड है भीमबेटका रॉक आर्ट का, इसको 7 पीरियड्स में फर्दर क्लासीफाई किया गया था कि जो उन्हें पेंटिंग्स मिली थी उसके बेसिस पे उस स्टाइल थोड़ा चेंज होता गया टाइम के साथ साथ और टेक्निक भी चेंज होता गया, तो उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है 7 ग्रुप्स में। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मतलब किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को, तो आपको लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, टाइम पीरियड एंड टेक्निक। सो जो सबसे पहला पीरियड था, पीरियड 1, वो था अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ था, इन दिस पीरियड बिग साइज फिगर्स ऑफ एनिमल्स वर ड्रॉन। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करनी है कि यहाँ पे जो हमें एनिमल्स मिले थे, एनिमल्स की जो फिगर्स मिली थी वो बहुत ही बिग साइज़ में थी, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स बनाए गए थे। और एग्जाम्पल लिखने कौन कौन से एनिमल्स बनाए गए थे, वो थे बाइसन था, टाइगर्स की पेंटिंग्स बनी थी, राइनोसेरस वर देयर, बोर्स, बियर्स एंड स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स हैव बिन डिलिनिएटेड ऑन द वॉल्स। डिलिनिएटेड मतलब बहुत ही लीनियर, बहुत ही पतली लाइन से इन्हें बनाया गया था वॉल्स ऑफ द केव्स, केव्स के वॉल्स में बनाया गया था, इन पेंटिंग को एनग्रेव्ड किया गया था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कौन कौन से कलर्स यूज़ हुए थे वो आपके टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होते जाएंगे, तो आपको एक अलग ही पॉइंट हाईलाइट करके लिखना है कि कौन सा कलर यूज़ हुआ था। बेसिकली मिनरल कलर्स यूज़ हुआ था, नेचुरल कलर यूज़ हुआ था, ये तो पता है, लेकिन जैसे अपर पैलियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ था, ग्रीन एंड डार्क रेड कलर्स वर यूज्ड एंड in which few are wash paintings and mostly in geometric patterns. Geometric patterns का use हुआ था। The dancers were painted in green and hunters in red. ये बहुत on। अब हमारा जो next period आता है पैलियोलिथिक period के बाद, वो था मेजोलिथिक period। अब मेजोलिथिक periods में क्या हुआ था, The paintings of this period are comparatively small in size. एक important point आपको फिर हाईलाइट करके लिखना पड़ेगा कि हमने पैलियोलिथिक पीरियड में देखा कि द साइज ऑफ द फिगर्स वर वेरी बिग एंड ऑन द कॉन्ट्रास्ट इन मेजोलिथिक पीरियड में क्या हुआ था, कंपैरेटिवली स्मॉल थे साइज पेंटिंग्स के बट मोर इन नंबर। लेकिन जो हमें मेजोलिथिक पीरियड में पेंटिंग्स मिले हैं वो साइज़ में तो स्मॉल थे बट हमें नंबर्स में ज़्यादा मिले हैं, वो ज़्यादा पेंटिंग्स मिली हैं एज़ कम्पेयर टू आवर प्रीवियस पीरियड। सो देयर इज़ डिपिक्शन ऑफ कम्युनियल डांसर्स। अब इसमें स्पेसिफिक एक कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी थी डांसर्स की, एक स्पेसिफिक कम्युनियल डांसर्स दिखाए गए हैं, बर्ड्स दिखाए गए हैं जो पहले नहीं थे, ह्यूमन प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब धीरे धीरे ह्यूमन्स एडवांस होते जा रहे थे, अब वो हंटिंग पे डिपेंड नहीं थे, वो अपना टाइम पास करने के लिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखने लगे थे। मदर एंड चिल्ड्रेन वर वन ऑफ द मेन टॉपिक्स of the paintings. Pregnant women were shown, men carrying dead animals. In addition to animals, there were many hunting scenes which are giving a clear picture of the weapons they used, like pointed sticks, bows and arrows. तो मेजोलिथिक पीरियड में हमें जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, हंटिंग सीन्स तो डिपिक्ट किए ही हैं, लेकिन इसके साथ एक क्लियर पिक्चर मिल रहा है हमें वेपन्स, जो वो वेपन्स यूज़ करते थे उस टाइम पे, जैसे पॉइंटेड स्टिक्स हो गए, बोज हो गए एंड एरोज। सो गाइज, मूविंग फर्दर टू आवर थर्ड पीरियड विच इज़ चैल्कोलिथिक पीरियड। So in this period, the paintings of this period are similar to that of Mesolithic period. अब जो Chalcolithic period की जो paintings बनी थी वो बिल्कुल ही similar थी Mesolithic period से जो हमने इससे पहले करी थी। But during this period, the cave dwellers of this area come into contact with agriculture communities of the Malwa plains. अब आप देख सकते हैं इस पीरियड के ड्यूरिंग क्या हुआ था, उन्होंने बिजनेस भी करना स्टार्ट कर दिया था। जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ थे मालवा प्लेन्स के, वो गुड्स और कुछ सामान एक्सचेंज करते थे, एग्रीकल्चर सामान एक्सचेंज करते थे, मतलब बार्टर सिस्टम हमें इस कैल्कोलिथिक पीरियड में देखने को मिला। सो थर्ड कैल्कोलिथिक पीरियड में ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब करने का नहीं है, बस आपको यही लिखना है कि केव ड्वेलर्स जो थे मालवा के, वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के साथ उनके रिलेशंस अच्छे थे और वो गुड्स और सामान एक्सचेंज करते थे। सब पीरियड फोर्थ और पीरियड फिफ्थ जो था अर्ली हिस्ट्री पीरियड, इट वॉज नोन एज अर्ली हिस्ट्री पीरियड। द पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड आर सिमेटिक एंड डेकोरेटिव इन स्टाइल। अब इस पीरियड के पेंटिंग्स में क्या हुआ, आपको डेकोरेटिव स्टाइल्स मिलेंगे एंड पेंटेड मेनली इन रेड, वाइट एंड येलो कलर्स। अर्ली हिस्ट्री की पेंटिंग्स जो मिली थी उन्हें मेनली रेड, वाइट और येलो कलर से पेंट किया गया था। ऑफ रिलीजियस सिंबल्स एज द फिगर्स ऑफ यक्षास, ट्रीज, गुड्स, गॉड्स एंड मैजिकल स्काई कैरियर्स वर वर्थ सीइंग। जो अर्ली हिस्ट्री पीरियड था वो थोड़ा सा और डेवलप हो गया और इसमें आपको सिंपल कलर्स ना यूज़ करते हुए लोगों ने डेकोरेटिव स्टाइल्स भी यूज़ करना स्टार्ट किया। और जो पेंटिंग्स थी वो आपको बेसिकली रेड, वाइट और येलो कलर्स में देखी गई इस अर्ली हिस्ट्री पीरियड में। एंड द एसोसिएशन ऑफ राइडर्स, जो सब्जेक्ट मैटर था वो था डिपिक्शन ऑफ रिलीजियस सिंबल्स। अब यहाँ पे लोग गॉड पे पूजा करने लगे तो वही शो किया गया। मैजिकल स्काई कैरियर्स आर वर्थ सीइंग इन अर्ली हिस्ट्री पीरियड। जैसा कि आप अर्ली हिस्ट्री पीरियड में ये पेंटिंग्स देख सकते हैं डांसिंग गर्ल की, जो पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है वहाँ की है। इसमें आपको लीनियर ह्यूमंस नहीं दिख रहे हैं, इसमें आपको प्रॉपरली ड्रॉन ह्यूमंस दिख रहे हैं जो वुमेंस हैं, और वो प्रॉपर डांस पोज में नज़र आ रही हैं अलग अलग, और उन्होंने ज्वेलरीज़ ये सब भी पहनी हुई है, ये सब भी डिस्क्राइब किया गया है बहुत ही ब्यूटीफुली इस पेंटिंग में। नेक्स्ट इज़ सिक्स्थ एंड सेवेंथ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ मिडाइवल पीरियड। सो मिडाइवल पीरियड में क्या हुआ था, द पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड आर मोर सिमेटिक, लीनियर एंड ज्योमेट्रिकल इन शेप। तो जैसे जैसे पीरियड्स आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारी जो पेंटिंग्स हैं वो भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही हैं, ज़्यादा क्लियर होती जा रही हैं। सो बट दे शो अ सर्टेन डिजेनरेशन एंड क्रूडनेस इन द स्टाइल। उन्होंने अपना स्टाइल थोड़ा अलग कर लिया था। एंड द कलर्स वर प्रिपेयर्ड बाई कॉम्बाइनिंग मैगनीज, हेमाटाइट एंड वुडन कोल और चारकोल। जो अभी भी मिनरल कलर्स या फिर नेचुरल कलर ही यूज़ होते थे, लेकिन अब वो नए नए टेक्निक सीख गए थे अपने खुद के कलर्स बनाने के लिए, इसलिए वो यूज़ करते थे मैग्नीज, जो मेटल्स उनके पास अवेलेबल थे। द पेंटर्स ऑफ भीमबेटका यूज मैनी कलर्स विथ वेरियस शेड्स ऑफ वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड ऑकर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक। दीज कलर्स वर मेड बाई ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स, मिनरल्स एंड पिगमेंट्स। जो मिनरल कलर्स यूज़ करते थे वो गेरू एक टाइप का रेड गेरू कलर यूज़ होता था इंस्टेड ऑफ रेड कलर्स। एंड कैल्कोडेनी एक तरह का स्टोन होता है जिससे वो ग्रीन कलर डराइव करते थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइट कलर के लिए वो यूज़ करते थे लाइमस्टोन यानी चूना, उसे क्रश करके वो वाइट कलर डराइव। आप देख सकते हैं जो मिनरल कलर्स हैं वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, जबकि कितनी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इंटरफेरेंस हुआ है भीमबेटका केव्स में, लेकिन वो अभी तक बिल्कुल नेचुरल है। तो फिर उसका राज यही है कि जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो हमेशा से आर्टिफिशियल कलर से ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो इन कलर्स को स्टेबल बनाने के लिए जो आर्टिस्ट ने यूज़ किया था एनिमल फैट, उसमें उसे सॉल्वेंट बनाने के लिए एनिमल फैट्स का यूज़ किया था, उसके साथ मिक्स कर दिया था पाउडर कलर के फॉर्म में, और गम ताकि वो चिपका रहे। बोल सकते हैं ब्रश, उन्होंने ब्रश की जगह क्या यूज़ किया, प्लांट से जो फाइबर्स निकलते थे, जो उनके स्टेम्स और स्टिक्स जो भूसे से, और हेयर ऑफ एनिमल्स। ब्रशेस तो आज के टाइम पे भी हेयर ऑफ एनिमल से ही बनते थे, लेकिन उस दिन कर सकते हैं कि क्यों ये पेंटिंग्स अभी भी इतने सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं. द कलर्स ऑफ दिस पेंटिंग्स आर इनैक्ट टिल नाउ. ये आपको ज़रूर मेंशन करना है इन योर डिस्क्रिप्शन ऑफ भीमबेटका केव्स. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, you can see there is a painting of group dance in linear pattern of भीमबेटका. इसमें group डांस हो रहा है, पूरा चेन की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है लोगों ने, और इनके कॉस्ट्यूम्स स्कर्ट लाइक कॉस्ट्यूम्स पहन रखे हैं इन्होंने, और वो ग्रुप डांस शो किया गया लीनियर पैटर्न में. सो द आर्टिस्ट डिपिक्टेड दो सीन्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव्ड. बोथ मैन एंड एनिमल सीम्स टू बी एंगेज्ड इन द स्ट्रगल फॉर देयर सर्वाइवल. एंड एट सम प्लेसेस ऑफ भीमबेटका अ न्यू पेंटिंग वॉज पेंटेड ऑन द टॉप ऑफ ओल्डर वन. अब आप देख सकते हैं जब कोई पेंटिंग उस टाइम पे पुरानी हो जाती थी तो वो दोबारा उसी पे नई पेंटिंग बना देते थे जब वो फेड हो जाती थी. सो लाइक दैट 20 पीजेंट्स ऑफ पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन द सेम प्लेस. कुछ जगह पे तो 20 पेंटिंग्स पाई गई हैं एक ही दीवार पे, जब रिसर्चर्स ने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि नई पेंटिंग के ऊपर ही पुरानी पेंटिंग के ऊपर ही उन्होंने नई पेंटिंग कर रखी है. सो सम प्लेसेस वर कंसिडर्ड सैक्रेड और स्पेशल. उस टाइम पे भी लोग गॉड्स में बिलीव करने लगे थे, तो वो कुछ जगहों को सैक्रेड मानते थे और पेंटिंग्स उसको अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ है, तभी सर्वाइव कर रखा है उस पेंटिंग्स को, उस आर्ट को. वो हमें अभी भी देखने को मिल सकते हैं भीमबेटका केव्स में. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड होप यू लाइक दिस वीडियो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन.